हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. दिस इज पूजा. वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. आज है 31st साल का आखिरी दिन, सो लेट्स मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड शुरू करते हैं आज का व्लॉग. सो यस गाइस, अभी तो फिलहाल बज रहे हैं 9 और मैं जाऊंगी किचन में टू डू द ब्रेकफास्ट प्रिपरेशंस. और जो मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, दैट वॉज डिमांड ऑफ द वेदर ऑल्सो. कल से, जैसे कि आप जानते हैं कि बारिश बहुत हो रही थी, अब तो इट्स स्टॉप्ड एंड थोड़ी थोड़ी धूप निकली है. बट कल रात ही मैंने हमने चना दाल भिगो दी थी एंड आई वॉन्ट टू मेक मसालवड़ है, सो उसकी शूट करूँगी फॉर माई इंस्टाग्राम रील. और उसके बाद देखते हैं वॉट्स द प्लान फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. वी आर एनी वेज नॉट पार्टी काइंड ऑफ पर्सन. हम लोग बाहर जाके पार्टीज नहीं करते हैं. न्यू ईयर ईव पे हम लोग मोस्टली इंडोर ही रहते हैं घर पे. सो एनी वेज, एंड इस साल तो बैन हो चुका है. देयर इज नो सेलिब्रेशन इन साइड द अपार्टमेंट्स ऑल्सो. गैदरिंग्स आर नॉट अलाउड, सो सबको अपने घर पे ही करना है. सो इट विल बी अ हाउस पार्टी दैट वी विल डू टूडे. सो देखते हैं उसका क्या प्लान करते हैं. आई विल कीप गिविंग यू गाइज अपडेट. सो पहले शुरू करते हैं आज का दिन, चलते हैं किचन में और शूट करते हैं मसाल वड़े फॉर माई इंस्टाग्राम. मैं इसमें डिटेल रिव्यू नहीं बताऊंगी आपको, डिटेल रेसिपी नहीं बताऊंगी. मैं बार बार रेसिपी को रिव्यू क्यों बोलने लग जाती हूँ? आई थिंक दैट्स द फूड ब्लॉगर इन मी कि बार बार रिव्यू आता है. नो रेसिपी. सो मैं डिटेल रेसिपी नहीं बताऊंगी, बट आई कीप गिविंग यू सम स्निपेट्स की हो क्या रहा है, कैसे बना रही हूँ एक्सेट्रा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशंस. सो यहाँ पे सारा सेटअप हो चुका है गाइज. आई विल शो यू जो मैं शूट का यूजुअली करती हूँ. आप देख सकते हैं ये मेरा बैकड्रॉप और ये भिगोई हुई चना दाल. सो शुरू करती हूँ मैं शूट प्रोसेस. क्या है क्या? सो यहाँ मेरा सेटअप हो चुका है गाइस, बैकड्रॉप और ये है चना दाल जो रात को सोक की थी. इसमें सोक नहीं की थी, स्टील के बर्तन में की थी. इसमें तो अब ट्रांसफ़र की है फॉर द शूट. सो शुरू करती हूँ मैं प्रोसेस. सो गाइस, ये हो गई है तैयारी. इसमें मैंने मिक्सर जार में मैंने डाला है भिगोई हुई दाल. उसमें सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, करी लीव्स, नमक और सौंफ. और इसके बाद हम डालेंगे अनियंस और बाकी चीज़ें. पहले इसको मैं बिना पानी के या बिल्कुल थोड़े से पानी से इसको मैं कोर्स ग्राइंड कर लेती हूँ. सो हियर गाइस, हमारा ये दाल का पेस्ट रेडी हो चुका है. अब इसमें जाएगा अनियंस एंड थोड़े से करी लीव्स और थोड़े डालूंगी एंड दैट्स इट. एंड देन वी विल शेप एंड फ्राई देम. गाइज, इस बैटर में जैसा कि आपने देखा अनियंस एंड हरा धनिया ऐड करने के बाद मैंने शेप किया और फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं वड़ास. एंड दिस इज हाउ दे लुक. क्वाइट टेम्पटिंग राइट? मुंह में पानी आ रहा है. और हमें इसको बहुत ही मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है. अगर आप धीमी आंच पे करोगे तो तेल ठंडा हो जाएगा और तेज पे करोगे तो ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे. सो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है. ओके गाइज, सो द शूट इज ओवर एंड द वाडाज आर हियर. और हाँ, शी इज मेकिंग द रेस्ट ऑफ द वाडाज. आई विल शो यू दैट ऑल्सो. यू गो, द वाडाज आर इन द मेकिंग. या ओके गाइज, सो ये रहा नाश्ता एंड वी आर गोना हैव ब्रेकफास्ट इन वायर. चाय और चटनी दोनों रेडी हो चुकी है. सो यस, विल सी यू आफ्टर ब्रेकफास्ट. बाय बाय. सो यस गाइज, हो गया है नाश्ता. मन तो मेरा था कि मैं एयर फ्रायर में बनाऊं, बट दे ऑल वांटेड डीप फ्राइड एंड मुझे लगा मुझे खाने हैं सिर्फ दो. उसके लिए मैं क्या एयर फ्रायर को प्री हीट करूँ और दो वड़े के लिए रखूँ. सो मैंने भी डीप फ्राइड ही खा लिए. एंड बिकॉज हमारा ब्रेकफास्ट इतना हैवी हो गया है, लंच आई एम गोना कीप वेरी वेरी सिंपल.
मैं शायद खिचड़ी या कोई भी सिंपल से राइस बनाऊंगी फॉर लंच, दैट्स इट। और उसके बाद एजेंडा ये है डे का कि माय सिस्टर वांट्स टू गो टू, माय सिस्टर हु हैज कम फ्रॉम दिल्ली, शी वांट्स टू गो फॉर सम शॉपिंग, तो उसके साथ शॉपिंग के लिए जाऊंगी। एंड उसके बाद उसको ज्वेलरी खरीदनी है, सो वी विल गो टू अ ज्वेलरी स्टोर एज वेल। सो ये सारे काम निपटाने हैं एंड आई विल कीप गिविंग यू गाइस स्निपेट्स ऑफ द डे कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। बट फिलहाल तो ख़त्म करने हैं घर के काम, जैसे सफाई, झाड़ू पोछा एंड एवरीथिंग, तो उसमें बिजी होने वाली हूँ मैं। सो चलिए शुरू करते हैं ये सारे काम एंड आई विल कीप पोस्टिंग यू गाइज विद वॉट इज हैपनिंग एंड ऑल दैट। सो यस गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस अब मैं खा के निकलने वाली हूँ। आई जस्ट हैव टू वेयर माई इयर रिंग्स, खाना खा के और मैं निकल रही हूँ। आई गो, आई हैव जस्ट आस्क्ड विपुल टू ड्रॉप मी, विपुल सेड ही कैन नॉट जॉइन अस बिकॉज ही इज़ बिजी। सो विपुल बस हमको ड्रॉप कर देंगे वेस्ट साइड और उसके बाद वेस्ट साइड का काम ख़त्म करके मेरी सिस्टर को लेके हम जाएंगे ज्वेलरी स्टोर, वहाँ शी वॉन्ट्स टू बाई सम ज्वेलरी, सो वो करेंगे। सो फिलहाल तो खाना खा के घर से निकल रही हूँ मैं, सो आई कीप गिविंग यू स्नीक पीक, सो स्टे ट्यून। सो निकल चुकी हूँ मैं गाइज एंड लुक एट दिस, लुक एट द वेदर। अभी थोड़ी देर पहले तक बारिश हो रही थी, अभी रुक गई है। सुबह इट वॉज क्वाइट गुड, द वेदर वॉज क्वाइट गुड, बरसात नहीं थी, बट अभी काफ़ी देर बारिश हुई है, अभी रुक गई है। सो गाइज, हियर वी आर एट द वेस्ट साइड एंड दिस इज़ माई सिस्टर बीना, उसका बेटा, छोटा बेटा गंगेश एंड माई ब्रदर इन लॉ। वी आर हियर टू डू सम शॉपिंग फॉर हर। शॉपिंग नाउ वी आर ऑन आर वे बैक होम एंड मौसम देखिए, इट स्टार्टेड रेनिंग एंड हमने तो कैब बुक की थी बट कंसिडरिंग द रेन कैब कैंसिल हो गई, सो विपुल हैड कम टू पिक अस। बंद कर, एक मिनट बंद कर, लॉक कर रही हूँ, बंद कर परी। सो हाँ गाइज, मैं क्या कह रही थी, सो हाँ गाइज, वेबसाइट की शॉपिंग के बाद हम आ गए थे घर, घर पे चाय नाश्ता किया, फिर बातों में लग गए और अब हम निकल रहे हैं ज्वेलरी शॉपिंग के लिए। हम जा रहे हैं ज्वेलरी स्टोर, सो आई विल शो यू हम क्या ले रहे हैं, आई मीन क्या ले रहे हैं ये तो शायद नहीं, बट येस आई विल गिव यू अ स्नीक पीक। और उसके बाद हम जाएंगे डिनर करने क्योंकि मेरी सिस्टर को खाना है बीना, हर नेम इज़ बीना, सो बीना को खाना है इडली डोसा, सो उसके बाद हम जाएंगे डिनर करने। सो आई विल टेक यू गाइज अलॉन्ग एंड चलिए चलते हैं, फिलहाल घर से निकलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गई है। ओके चलो चलो चलो। अब हम आए हैं डिनर करने एंड दिस इज अ प्लेस कॉल्ड अक्षयम, इट्स वेरी क्लोज टू माय हाउस, तो यहीं पे हम आए हैं इडली डोसा खाने। सो वी हैड अ ग्रेट टाइम हियर, लास्ट डे ऑफ 2021 वाज अमेजिंग। हाय गाइस, सो बैक होम आफ्टर द लॉन्ग टायरिंग डे। सो पहले वेबसाइट का काम ख़त्म किया एंड देन ज्वेलरी स्टोर गए, नहीं उसके बाद घर आए, फिर ज्वेलरी स्टोर गए, फिर डिनर किया एंड देन फाइनली बैक होम। और हम घर पहुंचने ही वाले थे इतने में इट स्टार्टेड रेनिंग, सो लेकिन अब रुक गई है, बट जब हम आए तब बरसात हो रही थी। एंड या स्पेंट अ लवली टाइम विद द फैमिली, डिनर किया सबने साथ में और बस, सो दैट्स हाउ वी सेलिब्रेटेड आर न्यू ईयर्स ईव। अब बस थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, टीवी देखेंगे या कुछ टाइम पास करेंगे, सब मिलके 12 बजे तक जगेंगे बिकॉज 12 बजे के बाद इट्स नॉट जस्ट न्यू ईयर, इट्स माय सिस्टर्स बर्थडे आल्सो, द सिस्टर हु हैड कम हियर बिफोर दिवाली, प्रमिला, सो उसका बर्थडे भी है, सो उसको विश करेंगे और फिर सोएंगे न्यू ईयर मना के। एंड या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग फ्रेंड्स, एंड wishing you all a very 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 happy new year and let this one be the best for all of us. And one message that I would like to give you all is, hum humans ke sath hamesha hota hai that we always carry excess baggage with us, you know, excess baggage, jaise ki excess baggage of our past memories, bad memories or negative memories,
इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया. सो लेट अस गेट रिड ऑफ ऑल दिस एक्सेस बैगेज ऑन दिस न्यू ईयर ईव एंड लुक फॉरवर्ड फॉर अ लाइटर फ्यूचर वेयर वी आर हैप्पी, हेल्दी एंड मच स्ट्रॉन्गर इमोशनली एंड फिजिकली. So that's it on this note. Let's end this vlog here and see you tomorrow with the first vlog of 2022. And I'm super, super excited for that because I'm super excited like you all कि आने वाला साल हम सबके लिए बहुत 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 अच्छा हो. एंड येस, कीप इट कोविड थर्ड वेव ओमिक्रॉन इन माइंड. वी आर जस्ट होपिंग, वी कैन जस्ट होप दैट इट बेटर बी अ गुड वन. 2021 से मुझे कोई शिकायत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. टचवुड, दिस ईयर हैज़ बीन वेरी गुड टू मी, वेरी काइंड टू मी, एंड माई सिंसियर ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स टू हैव ब्लेस्ड मी विद सच अ वंडरफुल ईयर, यू नो, करियर वाइज, स्पेशली विद माई ब्लॉगिंग करियर एंड एवरीथिंग. आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2022. एंड आई प्रे हम सबका साल बहुत अच्छा जाए. सो ऑन दिस गुड नोट फ्रेंड, सी यू ऑल टुमारो ऑन अ न्यू डे विद अ न्यू व्लॉग ऑन अ न्यू ईयर. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, न्यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन. यस. एंड ये देखो मेरे फेस पे इतने यू नो पिंपल्स निकल आए, आई डोंट नो व्हाई, बट आई डोंट नो. या वेलोना जाना है, आई विल बुक एन अपॉइंटमेंट वेरी सून बिकॉज आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है. इज इट सम हार्मोनल चेंजेस और वॉट, आई डोंट नो. खैर, ये सब देखेंगे अगले साल. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय. हाउ ड्रामेटिक अगले साल.